सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का नंबर यूज करते हो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, डोकोमो, जियो, मान लीजिए आपने कस्टमर केयर में बात की थी और वहाँ पर आपने बदतमीजी कर दी है और उस केस में आपको डराया गया कि हम आपके नंबर को बंद कर देंगे, फिर किसी भी केस में आप इन्वॉल्व हो, क्या कंपनी आपके नंबर को बंद कर सकती है? और बंद कर सकती है तो उसके पास क्या क्या रीजन हो सकता है और कस्टमर केयर के पास क्या क्या अथॉरिटी है, कितनी उनकी लिमिट होती है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर हम बात करें कि कंपनी आपके नंबर को बंद कर सकती है, इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर में या फिर किसी भी कंपनी के कॉल सेंटर में अगर आप बात करते हो तो प्लीज़ आप उनसे प्यार से बात करो, क्योंकि वो भी आप ही की तरह और अपनी ही तरह होते हैं। उनकी इतनी मोटी सैलरी होती नहीं है, रोजाना की 5 से 7 घंटे की उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, साथ ही रोजाना के सैकड़ों कॉल अटेंड करनी पड़ती है, उनकी तरह तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप यूपी के अंदर रहते हो तो जरूरी नहीं कि आपकी कॉल सेंटर यूपी में है तो आपकी कॉल को यूपी के अंदर ही ट्रांसफर किया जाएगा। चांसेस हैं कि आपकी कॉल को ट्रांसफर गुड़गांव की कॉल सेंटर में किया जाए या हो सकता है दिल्ली के कॉल सेंटर में ट्रांसफर किया जाए। तो जहां से आप बात करोगे तो हो सकता है कि आपकी लोकल लैंग्वेज को समझने में उनको प्रॉब्लम आ जाए, तो इस केस में भी आपको अच्छे से बिहेव से बात करनी चाहिए। चांसेस ज्यादा है कि जितने प्यार से उनसे बात करोगे तो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और उतनी ही अच्छी तरीके से और ज्यादा जानकारी आपको दे पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी लिमिट होती है जिनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पहली लिमिट दोस्तों मान लीजिए अगर आप उनसे बदतमीजी से बात करते हो तो वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ये मानती है कि अगर हमारे पास रोजाना हज़ारों कॉल आती है और सैकड़ों कॉलों में लोग अगर बदतमीजी करते हैं हमसे, अगर हम उनसे बदतमीजी करेंगे तो रोजाना की 100 कॉल में अगर हम बदतमीजी करेंगे तो अगर एक कॉल सेंटर में से 100 कस्टमर से अगर बदतमीजी की जाएगी तो चांसेस ये हैं कि जिससे बदतमीजी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरफ से हुई है वो कस्टमर ना डटे, क्योंकि हो सकता है वो अपने नंबर को MNP करा ले, उस कंपनी नंबर यूज करना ही छोड़ दें, तो कंपनी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर हजारों कॉल सेंटर होते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि हम कॉल सेंटर में ऐसे अगर बदतमीजी से बात करेंगे तो हम अपने ही कस्टमर को खो दें। तो आपको बता दूं कि इनके ऊपर ये भी लिमिट होती है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो कि कॉल डिटेल मिल जाए किसी की या फिर आपको मिल जाए किसी की लोकेशन या मिल जाए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वो दे ही नहीं सकते, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मैं आपको बता दूं वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके लास्ट रिचार्ज की कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके बैलेंस कटौती की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी किसी प्लान को एक्टिवेट डीएक्टिवेट के बारे में बता सकते हैं, बेस्ट ऑफर के बारे में बता सकते हैं, कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और कभी भी वो कॉल अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी तरह से सेक्रीफाइस नहीं हो जाते हो और आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है पूरी तरह से, पर जरूरी नहीं कि आपकी कॉल को मैनुअली कोई सुनता हो। दोस्तों हो सकता है कि आपकी कॉल को 7 से लेकर 1 महीने तक रखा जाए, वो डिपेंड करता है उनके डाटा के ऊपर, बाद में आपकी कॉल को मतलब कि आपके जो रिकॉर्डिंग होती है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। स्पेशली रिक्वायरमेंट पे आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग को लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे लिमिट होते हैं उनके ऊपर, तो आप कभी भी उनसे ऐसे सवाल ना पूछें, उनसे बदतमीजी से बात ना करें, वो भी आप ही की तरह और हमारी तरह है, मजबूरी होगी उनकी कुछ ऐसी जो उनको रोजाना की इतनी कॉल अटेंड करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि नंबर बंद कर सकते हैं कि नहीं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी कभी भी किसी भी कस्टमर का नंबर किसी भी रीज़न की वजह से बंद नहीं कर सकती है। रीज़न सिर्फ एक ही है, पर उसके अलावा रीज़न मान लीजिए आप किसी भी तरह से पुलिस केस में इन्वॉल्व हो, फिर आप किसी ने किसी को कोई भी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो कंपनी आपके नंबर को बंद नहीं कर सकती है। रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आप अपने नंबर को यूज़ नहीं कर पा रहे हो कंटिन्यू तो आपके नंबर को बंद कर सकते हैं। कंपनी कंडीशन देती है कि अगर कोई भी कस्टमर अपने नंबर को 3 महीने तक कंटिन्यू यूज़ नहीं करेगा तो हम आपके नंबर को बंद कर देंगे, पर इससे पहले बहुत सारी नोटिफिकेशन देती है कि आप अपने नंबर पे कोई भी आउटगोइंग कॉल करें, मैसेज करें, फिर डाटा यूज करें, वरना हम आपके नंबर को बंद कर देंगे। पर मान लीजिए आपका नंबर बंद हो गया तो आप उस नंबर को दोबारा रीएक्टिवेट नहीं करा सकते हो, पर हालांकि आपके नंबर के बंद होने के प्रोसेस के बीच में एक टाइम होता है, जिस टाइम के बीच में अगर आपने एक्टिवेट करा लिया तो ठीक है, वरना अगर आपका नंबर किसी और के नाम पर एक्टिवेट हो गया तो कंपनी उस नंबर को दोबारा आपके नाम पर रीएक्टिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी किसी का भी नंबर बंद नहीं कर सकती। इसके अलावा किसी भी केस में कंपनी आपके नंबर को बंद नहीं कर सकती। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है, मजबूरन कंपनी को नंबर आपका बंद करना पड़ता है, तो भी कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है कि आपके नंबर का रिवेरिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल देगी कि आपको अपने नंबर की रिवेरिफिकेशन करानी ही करानी पड़ेगी, आप अपने नंबर की रिवेरिफिकेशन दोबारा कराओ, दोबारा नंबर को यूज कर पाओगे। पर आपको बता दूं कि रिवेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और आपको मैनुअली कॉल आएगी कंपनी की तरफ से कि आपके नंबर की रिवेरिफिकेशन या आपकी ID की रिक्वायरमेंट है कंपनी की तरफ से, देन आप ID जमा करा दीजिए अपने नंबर की और देन आप उस नंबर को कंटिन्यू यूज कर पाओगे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके अलावा कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता मल्टीपल अकाउंट, मतलब कि अगर आपके नाम पे बहुत सारी सिम पहले से उस कंपनी की है या फिर टोटल 9 सिम से ज़्यादा आपने सिम यूज़ करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि जब नई सिम कार्ड आप लेने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चालू होने के बाद ऑटोमेटिकली या तो बंद ही हो जाएगी या फिर आप उस नंबर को एक्टिवेट कर ही नहीं पाओगे, दूसरा कोई नया नंबर ले ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि कंपनी कभी भी किसी भी कस्टमर की कॉल बंद नहीं कर सकती, बेसिकली नंबर बंद नहीं कर सकती है। जो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उनकी बात अलग है। अगर उनका नंबर मान लो कंपनी गलती से बंद कर भी देती है तो वो जाते केयर में करवा लेते दोबारा से चालू। पर अगर किसी समझदार इंसान का जो टेलीकॉम के बारे में नॉलेज रखता है, फिर कुछ अच्छी नॉलेज रखता है, अगर उसका नंबर कंपनी बंद कर देती है और कंपनी के ऊपर वो बंदा अगर केस कर देता है तो कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सारी चीज़ें आप समझ गए, वीडियो से लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल मिले तो प्लीज इस लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे ख्याल के बैठे, जय हिंद।